आइए अब हम आपको थ्री डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर करना सिखाते हैं, बहुत ही आसान बहुत ही सरल तरीके से। जैसे कोई थ्री डिजिट का नंबर ले लीजिए, जैसे आप ले लेते हैं 387, 387, तो इसका नियरेस्ट 100 नंबर देखना है आपको। नियरेस्ट 100 ये 400 के पास है, तो 400 लाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 13। तो जो नंबर ऐड किया है उसी नंबर को फिर माइनस करना है, तो ऐड करके इधर लिख लीजिए, देखिए 400 हो गया, और इनटू करना है आपको इसको माइनस करके, तो 7 में से 3 गया 4, और ये 8 में से 7 और 3, इसका मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये जीरो को काउंट नहीं करना है, 4 से मल्टीप्लाई इसको कर लें। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1496, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये हो गया। फिर अब क्या करना है, इसमें ये जो नंबर जोड़ा घटाया था इसका स्क्वायर, यानी दोनों का मल्टीप्लाई, एक ही नंबर होगा, वही जोड़ा है वही घटाया है, तो इन दोनों का ये आएगा 169। बस यहीं पर थोड़ा सावधानी बरतनी है, पूरा का पूरा नंबर लिखते समय इसके नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं करना। ये टू डिजिट आपने यहां छोड़े हैं ना, तो इधर टू डिजिट ऐसे ही कॉपी करनी है, ये ध्यान रखना है, और इस वन को इसमें कैरी करें और इसमें ऐड कर दें, तो ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, 14, तो ये इसका स्क्वायर नंबर मिल गया। देखिए कितनी आसानी से आपको। अब एक और उदाहरण लीजिए, जैसे इसमें ऐड करके आया था, मान लीजिए ये 100 के बिल्कुल पास में हो, जहां पर माइनस करने पर आ रहा हो, तो जैसे 218 है, तो ये नंबर है, वहां पर अगले वाले नंबर के करीब था, ये पहले वाले नंबर के करीब है, 200 के करीब है, तो 200 लेने के लिए इस 18 में हम 18 को माइनस करना होगा, तो जो माइनस करने पर मिल जाए वो ऊपर लिखिए, और क्या मिलेगा, क्या 200। अगर हम इसमें से ही 18 को निकाल दें तो 200 मिलेगा। अब वही 18 इसमें जोड़े हैं, उससे मल्टीप्लाई करें, मतलब जो नियरेस्ट नंबर 100 वाला आ रहा है उसको वैसे का वैसे लिखें, और दूसरा चाहे जोड़ने पर आ रहा हो या माइनस करने पर, दूसरा नंबर यहां ले लें, तो 18 18 इसमें जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, ये नंबर आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखे, जीरो को काउंट नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 472, 36 टू जा 72 होता है, 2 टू जा 4, ये आ गया। अब प्लस देखिए, ये जो ये 18 था, जो 18 नंबर था, इसका स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, इसका मल्टीप्लाई 8 जा मल्टीप्लाई होता है आपका 324, ये होता है 8 8 4, हाँ ये होता है। अब यहां पर देखिए 20 थे, तो 2 डिजिट आप ऐसे ही कॉपी कर लें, ये कॉपी कर लिया, अब ये नंबर इसमें ऐड कर दें यूनिट, मतलब यहां से ऐसे लिखना है, जितने जीरो होते हैं, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए ये नंबर 218 ना होता, केवल 21 होता, तो 20 के करीब होता, तो 01 होता, तो एक डिजिट छोड़ देते, मतलब ये टू डिजिट पर भी ये रूल लागू होता है, 1000 पर भी लागू होगा, लेकिन अभी आपको नहीं करना है, आपको केवल 2 डिजिट तक मैं इसमें बता रहा हूं, वही 3 डिजिट वाले में आप इसको कंप्लीट करें 1000 नंबर तक। तो ये अब इसको ऐड करेंगे तो 3 और 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये नंबर इसका स्क्वायर है, 218 का स्क्वायर ये 47524, ये इसका स्क्वायर नंबर है। देखिए कितनी आसानी से आपने इसको सीखा, और बहुत कम समय में, दो उदाहरण दिए, आप जब सीख जाएंगे तो करने में बहुत कम समय लगेगा, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड के अंदर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, इससे सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें कुछ लोगों को, और भी लोग देखें, इसका फायदा उठाएं। बहुत कम समय के लिए मैं ये वीडियो डाउनलोड कर रहा हूं। धन्यवाद।